Hello third class students, how are you? I hope fit and fine in home. I hope आप अपनी study continue घर पर कर रहे होंगे बेटा. बेटा last video में मैंने आपकी math की exercise 6.4 कराई थी जो division की थी. I hope आपको अच्छे से divide के सम आ गए होंगे. आज मैं आपको आपकी new exercise 6.5 करा रही हूँ. ये भी डिवाइड के हैं बट ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं. ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट समय हमारा हमें डिवाइड करना है. बच्चों डिवाइड हमेशा हम ऐसे करते हैं, 8754 को हमें बच्चों 6 से डिवाइड करना है. मैंने आपको बताया था कि टेबल आपको आती होगी, अगर अदरवाइज फिर भी ना आए तो लर्न करके हम टेबल को यहाँ पे लिख लेते हैं. बच्चों 6 1 6, 6 2 12, 6 3 12, ऐसे हम अपनी टेबल को लिख लेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. ऐसे आपको अच्छे से मतलब आप उसको देख भी सकते हो और लर्न भी आपको अच्छे से हो जाएगी. अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप देख के अपना कर लोगे. ठीक है ना बच्चों. और मैंने बच्चों आपको बताया था डिवाइड हम इधर से करते हैं, ठीक है ना, कि हम इस साइड से करते हैं. हमेशा आप डिवाइड हम इधर से करेंगे. यहाँ पर हमारा 6 है. 6 के टेबल में बेटा हम एक डिजिट लेते हैं पहले. 6 के टेबल में हम देखते हैं कि 8 आ रहा है नहीं आ रहा, तो 8 से छोटा कौन सा है बच्चों इसमें? 6. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 6. ठीक है, जो 8 से छोटा है. कितने पे आया बच्चों ये? 6 1 6, 1 पर. अब हम 8 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा? 8 में से 6 गया बेटा 2. ठीक है, फिर हम 7 अपनी राइट कर लेंगे ऊपर वाली डिजिट. अब 27 आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा. 27 से छोटा क्या आ रहा है? 24. यहाँ राइट करेंगे. कितने पे आ रहा है बच्चों देखेंगे हम? 1 2 3 4. तो 4 को हम यहाँ पर राइट करेंगे. तो 7 में से हमने 4 को माइनस किया तो कितना बचा बच्चों? आता होगा आपको, बताओ. 3. 2 में से 2 0. 0 मर्जी आपकी, लिखो या ना लिखो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती. ऊपर से हम एक डिजिट फिर अपनी करेंगे राइट, जो है हमारी आगे की नेक्स्ट 5. क्या बन गया है हमारा? 35. अब देखो 35 आ रहा है बच्चों? नहीं मैडम, 36 आ रहा है आप बोलोगे. तो 36 और 35 से क्या होता है? बड़ा होता है. तो उससे छोटा देखेंगे हम क्या है उसके ऊपर? 30. कितने पे आया बच्चों? 1 2 3 4 5. तो 5 हम यहाँ राइट करेंगे. ठीक है, ये हमारा क्यूटेंट होता है बेटा. हम यहाँ पर हम लिखते हैं इसको जोन से टेबल जिस पे जिस नंबर पर आती है. अब 5 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5. ऊपर से हमने अब 4 राइट किया. ओके बच्चों, अब हमारा क्या बन गया ये? 54. 54 देखो टेबल में आ रहा है? आ रहा है बच्चों. ये रहा, कितने पे आ रहा है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 हम यहाँ राइट करेंगे. ओके, 54 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारा 0 आंसर ये आएगा. इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गई? एक और कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से और भी समझ में आ सके. सेकंड देखते हैं हम बेटा. 9628 को हमें किससे डिवाइड करना है बच्चों? 4 से. अब वही मेथड अपनाएंगे हम. अगर 4 की टेबल आपको आती है तो ठीक है, आती है तो हम 4 की टेबल यहाँ पर राइट कर लेंगे जिससे हमें कोई और प्रॉब्लम ना आए.
इससे बेटा एक फायदा होगा आपको, आपको टेबल लर्न अच्छे से हो जाएगी। आप लिखोगे उसको, फिर देखोगे बार बार, याद करोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं फोर की टेबल, एक डिजिट लेंगे हम पहले। फोर की टेबल में बेटा एट नाइन आ रहा है, नहीं आ रहा मैडम आप बोलोगे, तो नाइन से छोटा क्या है बच्चों, एट आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एट, कितने पर आया ये एट हमारा, ट्वेल्व, कितने पर आया, फोर वन से फोर, फोर टू सा एट, ठीक है बच्चों। अब नाइन में से हमने एट को घटाना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। नाइन में से हमने वन को सबट्रैक्ट, एट को सबट्रैक्ट किया तो कितना आया बेटा, वन। ऊपर से हमने कौन सी डिजिट उतारे, सिक्स। तो हमारा बच्चों ये क्या बन गया बताओ, सिक्सटीन बन गया। आप फोर के टेबल में सिक्सटीन आ रहा है, आ रहा है, कितने पर आ रहा है, वन टू थ्री फोर, फोर पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम फोर करेंगे। अब सिक्स में से सिक्स को ज़ीरो, वन में से वन को ज़ीरो। बोलोगे मैडम यहाँ पे तो कोई डिजिट बची नहीं, अब हम क्या करें, जो हम आगे अपना सम करें। तो बेटा नहीं बची है तो हम ऊपर से टू तो हम राइट करेंगे ही। अब बोलोगे मैडम टू की टेबल में, फोर की टेबल में तो टू नहीं आ रहा, तो टू नहीं आ रहा तो बेटा हम एक और डिजिट राइट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पर एक डिजिट और राइट की है तो यहाँ पर हम ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि जब हम एक डिजिट तो हम करते ही हैं, अब फिर अगर हम दूसरी डिजिट भी उतारते हैं उसी के साथ तो यहाँ पर हम ज़ीरो राइट करते हैं। ओके बच्चों, अब देखो फोर के टेबल में 28 आ रहा है, ये रहा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने पर आ रहा है बच्चों, सेवन पर, 28, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 28 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो। ओके बच्चों, ये हमारा एक सम हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं जिससे आपको आपकी जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड है बेटा, ये अब हमारा थर्ड स्टार्ट होता है। थर्ड में हमारा बच्चों, थर्ड में सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी थ्री को हमें थर्ड से ही डिवाइड करना है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं, आपको थर्ड की टेबल तो आती होगी। सिक्स की टेबल में थर्ड कितने पर, थ्री के टेबल में सिक्स कितने पर आता है बेटा, ये तो आपको आता ही होगा, कितने पर आएगा थ्री के टेबल में सिक्स, टू पर, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू पर आएगा, यहाँ हम टू राइट कर देंगे। सिक्स में से सिक्स जाएगा बेटा ज़ीरो, ज़ीरो आपकी लिखना है तो आपकी मर्जी है, नहीं लिखना तो भी। ऊपर से हमने राइट किया सिक्स, अब फिर वही सिक्स की टेबल, थ्री की टेबल में सिक्स कितने पे आता है बच्चों, टू पर, थ्री टू ज़ा सिक्स, यहाँ पर हम टू राइट कर देंगे। सिक्स में से सिक्स जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लिखना है तो आपकी मर्जी है। ऊपर से हमने उतारा नाइन, राइट किया, न्यू डिजिट उतारी हमारी कौन सी थी, नाइन। तो थ्री की टेबल में नाइन आते हैं बेटा, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, कितने पे आया बच्चों, थ्री पर, यहाँ हमने थ्री राइट किया और नाइन को हमने यहाँ पर जो हमारे टेबल में है, ठीक है बच्चों। अब जितने पे है वो हम यहाँ पर काउंटिंग यहाँ पर राइट करते हैं, नाइन में से नाइन किया ज़ीरो, ऊपर से हमने थ्री उतारा, ठीक है बेटा। आप थ्री के टेबल में थ्री तो आता है, आता है, कितने पर, थ्री पर, थ्री वन जा थ्री। ओके बच्चों, अब थ्री में से थ्री को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ज़ीरो। ओके बच्चों,
मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज के 6.5 जो है उसके 3 सम्स कराए हैं। आई होप आपको अच्छे से वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको अपनी ये सम तो अपनी नोटबुक में करने हैं और जो आगे सम है वो खुद से करके देखने हैं कि आ रहे हैं आपको समझ में या नहीं। अदरवाइज बेटा फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।